माय किचन फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को आइसक्रीम का बेस बनाना बता रही हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आइसक्रीम का बेस ही कैसे बनता है। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको वो बेस बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मैंने 1/2 लीटर मिल्क लिया है। मिल्क हमारा फुल फैट मिल्क होना चाहिए, बिल्कुल गाढ़ा दूध होना चाहिए। इसके अलावा हम इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसमें GMS पाउडर, ये देखिए फ्रेंड्स GMS पाउडर, जो कि बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है, किसी भी प्रकार का इसमें केमिकल नहीं है और ये वेज है। इससे हमारी आइसक्रीम GMS पाउडर से बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी होती है। ये हमें 1.5 टेबल स्पून लेना है, 1.5 चम्मच GMS पाउडर लेना है। इसके अलावा फ्रेंड्स CMC पाउडर आता है, इससे हमारी आइसक्रीम जल्दी मेल्ट नहीं होती है, ये हमारी आइसक्रीम को सेट करने के काम करता है। ये हमें 1/4 टीस्पून लेना है। इसके अलावा मैं इसमें 100 ग्राम्स घर की ही मलाई लूंगी। आप चाहें यदि घर की मलाई नहीं लेना चाहते हैं तो अमूल फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। 1/2 कप मैंने ठंडा दूध लिया है। ठंडा दूध लेने का कारण है मैं ये तीनों पाउडर इसमें डिजोल्व करूंगी। गर्म दूध में डालने से लम्स आते हैं, इसलिए ठंडे दूध में इसे घोलूंगी मैं। इसके अलावा मैंने 1 टेबल स्पून 8 चम्मच मैंने शक्कर ली है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम दूध उबलने रखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध उबलने लगा है हमारा। जब हमारे दूध में अच्छी तरह से उबाल आ जाए उसके बाद मैं 8 चम्मच इसमें शक्कर डालूंगी। शक्कर डाल के हमें इसे सिर्फ 2-3 मिनट ही उबालना है। 8 चम्मच शक्कर डाली है मैंने, अब इसे हिलाएं। दूध हमारा उबल रहा है, तब तक के हम तीनों पाउडर इस ठंडे दूध में घोल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है। 2 टेबल स्पून हमें इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है। 1/4 टीस्पून CMC पाउडर डाल रही हूँ मैं। CMC पाउडर से हमारी आइसक्रीम जल्दी मेल्ट नहीं होती। इसके अलावा GMS पाउडर, ये देखिए इस तरह से आता है, ये हमें 1.5 चम्मच GMS पाउडर लेना है। 1.5 टेबल स्पून GMS पाउडर, इससे हमारी आइसक्रीम बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी बनेगी। अब इसे हम बहुत अच्छी तरह से घोल लें ताकि बिल्कुल भी लम्स ना आने पाए। ये देखिए दूध हमारा बहुत अच्छी तरह से उबल गया है, शक्कर भी घुल गई है। इसे उबलते हुए 2-3 मिनट हुआ, बहुत नहीं उबालना है। अब तीनों पाउडर GMS पाउडर, CMC और कॉर्नफ्लोर, जो कि मैंने ठंडे दूध में घोला था, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसे अब हमें सिर्फ 5 मिनट ही पकाना है। फ्लेम हम स्लो करें ताकि बिल्कुल भी नीचे से चिपकने ना पाए। 5 मिनट तक इसे लगातार हिलाते हुए हमें पकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, आइसक्रीम का मिक्सचर हमारा जो बेस है बहुत अच्छी तरह से उबल गया है। इसे उबलते हुए 5 मिनट हो चुका है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और अब मैं इसे ठंडा करके फ्रीजर में सेट होने रखूंगी। कल मैं आपको बताती हूँ कि अब हमें आगे इसे कैसे फेंटना है। ये देखिए फ्रेंड्स, कल जो मैंने आपको आइसक्रीम का बेस बनाना बताया था, हमारे आइसक्रीम का बेस बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। ये देखिए, मेन होता है आइसक्रीम का बेस बनाना। अब इससे हम किसी भी तरह की आइसक्रीम बना सकते हैं। अब हम इसे फेंटेंगे। फेंटने से पहले इसे फ्रीजर से निकालते साथ फ्रेंड्स ये चीज का ध्यान रखें कि हमारा बेस बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाना चाहिए, तभी हमारी आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी बनेगी। इसे मैंने 6 से 7 घंटे तक के सेट किया है। इस तरह से नाइफ से हम कट का निशान लगा लें और फिर हम एक लंबे कंटेनर में सभी पीसों को डालेंगे ताकि हमें इस ब्लेंडर से फेंटने में आसानी हो। ये देखिए, सभी आइसक्रीम को मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है क्योंकि अब इसे मुझे फेंटना है। अगर मैं इस छोटे बर्तन में फेंटूंगी तो बहुत ज्यादा छींटे उड़ेंगे, इसलिए एक लंबे कंटेनर का यूज कर रही हूं मैं। सभी आइसक्रीम इसमें शिफ्ट करें। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने 5 से 7 मिनट कितना अच्छा फेंट दिया है। अब मैंने उसे वापस बर्तन में कर लिया है क्योंकि लंबे कंटेनर में फेंटने में बहुत आसानी हुई। ये देखिए, आप देख रहे होंगे कितनी वाइट, कितनी क्रीमी हमारी आइसक्रीम का बेस तैयार हुआ है। अब इसमें मैं 100 ग्राम घर की ही मलाई है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। यदि आप घर की मलाई नहीं डालना चाहते हैं तो आप फ्रेश अमूल क्रीम भी ले सकते हैं। आज मैंने तो घर की ही मलाई का यूज किया है। आप चाहें तो अमूल फ्रेश क्रीम भी ले, और फ्रेश क्रीम डालने के बाद हमें इसे 2-3 मिनट ही फेंकना है। ये देखिए फ्रेंड्स, 1/2 लीटर मिल्क लिया था मैंने। आप देख रहे होंगे 1.5 लीटर हमारी आइसक्रीम का बेस बनकर तैयार हुआ है सिर्फ फेंटने से। फ्रेंड, GMS पाउडर की जो मैंने आपको आइसक्रीम बताई है, जिससे मैंने बेस बनाना बताया है,
अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी 1.5 लीटर आइसक्रीम का बेस बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे आइसक्रीम का बेस बनकर बिल्कुल तैयार है। अब आप इस बेस से किसी भी तरह की आइसक्रीम बना सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, ये ऑरेंज क्रश है। यदि आप ऑरेंज क्रश डालेंगे तो ऑरेंज फ्लेवर की आइसक्रीम बनेगी। ये बटर स्कॉच का क्रश है, बटर स्कॉच क्रश डालेंगे तो बटर स्कॉच की आइसक्रीम बनेगी। इस तरह से सभी एसेंस आते हैं हमारे पास। वेनीला डालेंगे तो वेनीला आइसक्रीम हमारी बन के तैयार होगी। पाइनएप्पल इमल्शन है, जिसमें कि पाइनएप्पल कलर कलर और एसेंस दोनों होता है, इसको हम इमल्शन बोलते हैं। मैंने इमल्शन एसेंस से रिलेटेड और जीएमएस पाउडर से रिलेटेड बहुत सारी जो आपकी क्वेरीज हैं उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। मेरा एक नया चैनल है जिसका नाम है टिप्स थिएटर, उसमें मैंने ये वीडियो डाला है। प्लीज आप उसे वॉच करें ताकि आपकी ये क्वेरीज दूर हो जाए। आइसक्रीम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जीएमएस पाउडर इमल्शन, उन सब से रिलेटेड वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। प्लीज आप उसे जरूर चेक करें और टिप्स थिएटर मेरे चैनल को जरूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।